ये जो धार आप मेरे पीछे देख रहे हैं टुप 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 ये जो बह रहा है, मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगी कि वो आपको जूम करके मेरे कैमरे के माध्यम से आपको दिखाए ये कैसे जो धार टुप 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 बह रहा है, आप जूम करके दिखाए यहाँ पर कितना कचरा है, कितना ज्यादा कचरा है। कुछ दिन पहले जीएन भारत की संवाददाता यहाँ पर आई थी और इस स्टोरी को दिखाई थी कि देखिए यहाँ पर कितना कचरा है। उसके बाद तो कुछ हद तक यहाँ पर सफाई हुआ भी, नगर निगम आई और बस ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वाइट वाइट कलर का जो आटा की तरह दिखता है उसे छिड़क करके यहाँ पर चली गई। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कचरा है और यहाँ पर रहने वाले लोग और जो यहाँ पर फल की दुकान लगाए बैठे, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से वहाँ तक कचरा जा रहा है और ये पानी बहकर उन तक जा रहा है। अगर ये जो नारियल पानी जो भी पीने वाला है, जो बेच रहा है उसे तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो कस्टमर्स है उसे भी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि यहाँ तक कचरा, ये जो नाली का पानी है ये यहाँ पहुंच रहा है और उसे लोग पी रहे हैं, ये नारियल पानी को लेकर लोग पी रहे हैं। बेचने वाले को कितना खतरा है और पीने वाले को भी कितना खतरा है ये आप देख सकते हैं। वहीं पर ये जो नारियल पानी वाले भैया हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे, ये हमारे साथ मौजूद है कि इतने कचड़े में, इतनी गंदगी में ये कैसे यहाँ पर बेच रहे हैं। क्यों आप क्यों नहीं बोलना चाहते, आपको बोलने में क्या परेशानी, आपको दिक्कत नहीं होता है क्या? देखिए शायद इनको दिक्कत नहीं हो रहा है ये कचड़ा से, ये इस कचड़े में बैठ के बेच सकते हैं। वहीं दूसरे भैया से हम बात करते हैं कि क्या आपको दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो बहुत होता है, जो कि बहुत महकता है, पर क्या करें, कोई उपाय नहीं है, इनको तो बेचना है, रहना तो है हमको। तो आप अगर बेच रहे हैं आपको तो नुकसान हो ही रहा है, आगे कस्टमर ये जो बहता हुआ पानी इसका इसमें स्मेल जा रहा है उसको जो पी रहा है उसको नुकसान नहीं हो रहा? नहीं नहीं, इसमें स्मेल कैसे जाएगा, एक तो पैक है, ये तो खुला हुआ नहीं है ना, इसमें तो नहीं जा सकता है स्मेल, क्योंकि पैक है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा घटिया है, जो लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं काफ़ी दिन से, वो कैसे इस गंदगी में बैठे, कैसे ये जो कचरा, इतना घटिया पानी है, इसमें लोग कैसे रह करके धरना दे रहे हैं। और वहीं लोग रात में यहाँ पर सोते हैं और अब आगे की प्लान कर रहे हैं कि इन्हें यहीं पर रहना है, यहीं पर अभी धरना देना है, इस गंदगी के बीच लोग रहेंगे कैसे? और यही कारण है आज की बीमारी जो फैल रही है, ये जो घटिया पानी बह रहा है नाली का, इससे नगर निगम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन आई ब्लीचिंग पाउडर डाली और चली गई। और वहीं यहाँ पर जो धरना पे लोग बैठे हैं उनके लिए एक बाथरूम का सुविधा किया गया है, मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूँगी वो आपको बाथरूम दिखाए। और यहाँ पर भी जो पानी रहता है वो पानी को या तो पाइप से कहीं फेंक दिया जाता है या तो वो यहीं छोड़ दिया जाता है। ये कैसी अनहोनी हो रही है रांची के लोगों के साथ, रांची के जनता के साथ, और यही कारण है इससे लोग बीमार पड़ते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। काफ़ी ख़राब है, नगर निगम तो ध्यान देना ही नहीं चाहती है, जैसे आम जनता के लिए ये हर एक तरह से ख़राब है। अभी मैं भी इस जगह पर खड़ी हूँ तो ये खड़े होने लायक जगह नहीं है, तो सोचिए आप ये जो बेच रहे हैं ये कैसे यहाँ पर बैठे हैं। और मैं आगे देखती हूँ कि मैं दोबारा ये स्टोरी कर रही हूँ, अब देखती हूँ कि इसके बाद नगर निगम कुछ कदम उठाती है या नहीं। आप कमेंट करके बताएं कि अगर ऐसा कचरा रहा, अगर ऐसा रांची रहा तो क्या आप जीने लायक रहेंगे? जैसे कि ये जो नाली बह रहा है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो कबूतर है ये भी वही पानी पी रहे हैं, और ये जो पानी पी रहे हैं ये दूसरे कबूतर को जाके फैलाएंगे और इसी से फैलता है बर्ड फ्लू, और ये सब भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और वहीं हमारे साथ आम जनता मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इतनी गंदगी भरी जगह पे, ये गंदगी जैसा राजभवन पे लोग रह कैसे रही है, ये सरवाइव कैसे कर रहे हैं और ये यहाँ पर बैठे कैसे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जनता खड़ी है, आम जनता खड़ी है, ये कहाँ से आई है, क्यों यहाँ पर आई है और इतनी गंदगी के बीच ये बैठी कैसी है, आइए इनसे बात करते हैं। आप इतनी गंदगी, इतने कचड़े के बीच यहाँ पर तब से बैठे हैं, कैसे, क्यों? इसलिए कि यहाँ सब आके हम लोग मजबूरी में रहना पड़ता है, यहाँ पर जो है ना हर समय सब यहीं पे शौच, ऊपर क्या बनेगा कुछ है ये नहीं है, उन सब नीचे में करता है, मजबूरी में आके कहीं जगह नहीं है तो चलते रहते हैं खड़ा। आप क्यों खड़े हैं? अब हम यहाँ पे खड़े एक आदमी का इंतजार कर रहे थे, इसी के चलते इस कचड़े के बीच में आप सांस ले पा रहे हैं सही से? नहीं ले पा रहे, नहीं ले पा रहे। क्यों यहाँ पर खड़े?
खड़े ही इसलिए कि मजबूरी, उधर तब धूप उप है, चलते इधर छाया पेड़ का ही चलते रहे। मतलब आपको धूप से दिक्कत है, लेकिन ये जो गंदगी से आपको बीमारी हो जाएगी तो उससे आपको दिक्कत नहीं? बहुत दिक्कत है, दिक्कत है, मतलब मजबूरी में खड़ा है, क्या किया जाए, मजबूरी है। क्या चाहते हैं? यहाँ सफाई होना चाहिए। किसको बोलना चाहते हैं, नगर निगम को, सरकार को, किसको बोलना? नगर निगम करेगी, इसका काम नगर निगम का है। आप देखिए, सब कह रहे हैं कि नगर निगम साफ सफाई करे, लेकिन नगर निगम कुछ नहीं करती है। नगर निगम आती है, ब्लीचिंग पाउडर फेंकती है और चले जाती है। और वहीं आप देखिए, कबूतर पानी पी रहे हैं, वो गंदगी वो दूसरे कबूतर को जाके देंगे, इससे बर्ड फ्लू फैलेगा। और यही है कि आम जनता बैठती है यहाँ पे, फल वाले है, धरना पे लोग बैठे हैं, उनसे दूसरे लोगों को भी बीमारी हो सकता है, ये एक इन्फेक्शन का जरिया है। आइए, हमारे साथ पीछे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप काफी दिन से धरना पे बैठे हैं, कैसे इस धरना पे बैठ के आप अपना सरवाइव कर रहे हैं, कैसे जीवन काट रहे हैं? कितना मुश्किल है ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, आप लोग तो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, सब लोग तो देख ही रहे हैं कि कितना ख़राब स्थिति है, कितना दुर्गंध आ रहा है यहाँ से, और देख रहे हैं चलन शौचालय का स्थिति, और पानी वगैरह का सुविधा बहुत ही ख़राब है। मेरे साथ तो बहुत अधिक समस्या है, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना ख़राब स्थिति है। तो जैसा कि देखें, लोग कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती है, लोग बस नगर निगम पे बात ठोक देती है कि नगर निगम आए, और ये सच्चाई है कि नगर निगम को आना पड़ेगा, नहीं तो ये रांची अब जीने लायक नहीं रहेगा। इस बीमारी के कारण जितनी डेथ हो रही है, जितनी मौत हो रही है, या बीमारी फैल रहा है, तो शायद आगे जाके लोगों को और नुकसान पहुँच सकता है, ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। और आपने ये भी देखा होगा कि आज के डेट में लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कचरा घर से लाकर रोड पे फेंक देते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, पेड़ काट कर फेंक दिया जाता है, कचरा फेंक दिया जाता है, ये हर एक बीमारी का कारण बनता जा रहा है। और आप कमेंट करके बताएं कि अगर कुछ दिन बाद तक ये ऐसा हालत रहा, ये ऐसी रांची रही, तो लोग जीने लायक रहेंगे या नहीं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।